विनोद विनोद और बस विनोदी विनोद। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर यार आप लोग चैनल पे नए हो तो यार प्लीज चैनल के सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें और साथ ही में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि अगले आने वाली बहुत ही धमाकेदार वीडियोस आपके नोटिफिकेशन के फीड में से मिस ना हो। तो चलिए बिना कोई विनोद पंजी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। दुनिया में यार तीन तरीके के लोग होते हैं। पहले जो बहुत मेहनत करते हैं और फिर सफल होते हैं, दूसरे जो थोड़ी कम मेहनत करते हैं और फिर भी वो सफल हो जाते हैं, और तीसरे जो विनोद वाली मेहनत करते हैं और रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं भाई लोग। तो यार इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ ना कुछ तो हर दिन वायरल होते ही रहता है। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का वॉर चल रहा था, बहुत वीडियोज इसके ऊपर बन रही थी, पर अब जो नई बीमारी फैल रही है उसका नाम है विनोद। यार तीन चार दिनों से मैं जहाँ जा रहा हूँ बस मेरे को ये विनोद भाई के ही दर्शन हो रहे हैं। पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहता मिलना, मगर फिर भी यार हर जगह भाई विनोद 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 ही दिखाई दे रहा है मेरे को। तो दोस्तों वैसे इंडियन कमेंट सेक्शन वैसे ही बहुत ज्यादा महान है और उसमें दोस्तों चार चांद लगा दिए ये विनोद। आज से स्कूल में टीचर ए फॉर एप्पल तो बताएगा, पर दोस्तों बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर होगा विनोद। आज से तुम्हारी लाइफ का हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बस एक है, विनोद। रिश्तेदार दोस्तों बच्चों से पूछ रहे कि तुम्हें बोर्ड में कितने नंबर मिले, बच्चे बोल रहे हैं विनोद। और भाई लोग मुझे लगता है कि यार यूट्यूब वैसे टिकटॉक से भी ज्यादा ट्रेंड में ये विनोद जा सकता है, और भाई अगर ट्विटर में भाई ये ट्रेंड कर सकता है तो भाई कहीं भी ट्रेंड मार सकता है मेरे को लगता है। या भाई लोग मेरे को तो ऐसा लगने लगा है कि यार अब इलेक्शन में भी वोट मांगने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। लोग बोलेंगे कि तुम हमें वोट दो हम तुम्हें विनोद देंगे, ये तो बात ना बनी कुछ। अरे बात नहीं, जोक तो बन गया ना, बस जोक में एंजॉय करो। और तो यार असल में ये विनोद की सच्चाई है क्या, आइए थोड़ा पास्ट में चलते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इसमें हुआ क्या, एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल है बहुत ही अच्छा है स्ले पॉइंट, जिनके 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने एक्चुअली एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया कि भाई इंडियन का जो कमेंट सेक्शन बहुत है वो कितना कचरा है, मतलब उसमें क्या क्या कमेंट भरे होते हैं, और उसमें से ज़्यादातर लोगों ने ये विनोद वाला कमेंट किया था, उन्होंने उसको उठा के एज अ कॉमेडी प्रेजेंट कर दिया। आपको मैं रिकमेंड करूँगा जाके कि वो वीडियो भी आप जरूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा, पर उसके पहले ये वाला वीडियो पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई को भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। तो बस भाई लोग बस वहीं से विनोद की गाड़ी निकल पड़ी। पर दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 200% मैं बोल सकता हूं कि स्ले पॉइंट ने भी सोचा नहीं होगा कि उनसे ज्यादा ट्रेंडिंग भाई ये विनोद चल जाएगा। भाई साहब चलो ठीक है, कॉमेडी चैनल में आप विनोद कमेंट करते हो चलता है, टेक्निकल चैनल में भी चलो ठीक है हमने मान लिया कर सकते हो भाई, मगर भजन वाले चैनलों में कौन विनोद कमेंट करके आता यार। कल शाम को भजन लगाने का सोचा भाई, उसमें भी कमेंट सेक्शन में विनोद विनोद लिखा था, मतलब भाई चल क्या रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। मोबाइल की दुकान वाले पूछ रहे हैं सर एंड्रॉइड फोन लेना या आईफोन, बंदे बोल रहे विनोद। अब यार मैं तुमको औरों का क्या ही एग्जांपल दूं, मैं अपने दोस्तों का ही बता देता हूँ यार। यार कल की बात है, कल रात की बात है, उन्होंने कस्टमर केयर वाले को कॉल लगाया, कस्टमर केयर वाला वहां से बोलता है सर आप कौन सी सेवा कंटिन्यू करना चाहेंगे, प्रीपेड सेवा या पोस्टपेड सेवा। ये भाई लोग बोलते हैं हमको विनोद सेवा चाहिए। नहीं मतलब बताओ कस्टमर केयर को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या इनकी आरती उतारेगा वो। और भाई लोग आप लोग तो छोड़ दो यार, बड़ी बड़ी कंपनियां भी भाई अपना नाम की जगह विनोद नाम रखी बैठी हैं, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे। यार तुम पॉपुलैरिटी देख रहे हो बंदे की, मतलब एक दिन में सुपरस्टार कैसे बना जाए भाई, एक दिन छोड़ो यार कुछ घंटों में सुपरस्टार कैसे बना जाए, ये कोई विनोद से सीखे हम भाई। अगर एक किसी को व्हाट्सएप की अपनी डीपी बदलने को बोल देते तो भाई सामने से चार गाली सुनने को मिलती है और फिर भी डीपी बदली होती है नहीं, और ये भाई के लिए बड़ी बड़ी कंपनी अपना नेम चेंज कर रही है वाह। और भाई इसका सबसे ज्यादा असर मेरे को तो लगता है भाई कॉलेज वाले बच्चों और स्कूल वाले बच्चों पे हो रहा है भाई, क्लास में कोई शोर मचा रहा है और टीचर अगर ऑनलाइन क्लास में पूछे भाई कौन है तो भाई पता नहीं तीन चार लोग बोल रहे विनोद, उसके बाद भी टीचर का भी चेहरा देखने लायक होता है और कुछ नहीं। भाई मेरी ऑनलाइन क्लास में एक बच्चे से टीचर ने पूछा चलो बताओ भाई हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, बच्चे बोल रहे विनोद। टीचर भी 2 मिनट के लिए सोचा यार भाई साइंटिस्ट के नाम तो हमने भी सुने, मैथमेटिशियन के नाम भी सुने, भाई विनोद नाम का तो कोई बंदा नहीं था, मगर उनको शायद ये नहीं पता है कि अगला सुपरस्टार और अगला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाई विनोद ही निकलेगा, जो कौन एक्चुअली किसी को पता ही नहीं है, बस बन गया दोस्तों। तो इसके पीछे दोस्तों एक्चुअली कुछ लॉजिक नहीं है, बस वो ऐसे ही मजाक में भाई इसको इतना ट्रेंडिंग में ला गया कि मतलब अलग ही ट्रेंड चल रहा है इसका। और कहीं भी आपको मैं बोल रहा हूँ ना कि ज़्यादातर कोई भी चैनल के कमेंट सेक्शन में अगर आप चेक करोगे ना तो आपको विनोद का कम से कम 100 में से अगर आप देखोगे तो 50-60 कमेंट्स तो भाई मिल ही जाएंगे ज़रूर। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि अब ये विनोद वाली बात को यहीं रोकना चाहिए, वरना पता नहीं और हमें क्या क्या देखने को मिल जाए और विनोद भाई कहाँ कहाँ पहुँच जाए। तो इसलिए दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।